खमागणी सा मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित एक बार फिर हाजिर हूँ मायड भाषा रा बुलेटिन खबर राजस्थानी रील लेने सबसे पहली आप सगड़ा ने अंतस्तनी घने मान छोटी दिवाली री बधाई एक नजर जो आज री मैं ताऊ खबर मात है पूरे देश रे सागे राजस्थान रे माए भी छोटी दिवाली री धूम बजारा माए उमड़ी लोगा री भीड़ 16 सिंगार करने रूस 14 मना रही है लुगाया प्रधानमंत्री सीमा माथे मनावेला दिवाली रो त्योहार उत्तराखंड रे हर्षिल बोर्ड माथे रेवला जवाना रे सागे प्रधानमंत्री रे सागे रेवला सेना प्रमुख बिपिन रावत और सेना रा मेहताऊ अधिकारी कांग्रेस माथे बीजेपी रो वार गजन सिंह शेखावत मीडिया से हताई करता थका कहो कांग्रेस रा नाम मोटा और दर्शन छोटा अठीने पीसीसी चीफ सचिन पायलट भुगा जयपुर दिवाली स्नेह मिलन रे मौके बीजेपी माथे करियो पलटवार कहो इन बार बीजेपी री विदाई पक्की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूगया गृहनगर जोधपुर माए हवाई अड्डा माथे वियो जोरदार स्वागत लोगों सु मिलन रे सागे संभाग री 33 सीटा सारू करेला मंथन राजधानी माए गरम हवारे गुब्बारे ने लेने चर्चारो बाजार गरम उड़ान भरता बगत बेकाबू वियो गुब्बारो हड़बड़ी में उतारियो हरमाड़ा रे चौक गांव माए गुब्बारे माए मौजूद है आधा दर्जन सैलानी और श्री गंगानगर माए देर रात दो गुटारे बीच हुई फायरिंग एक मोटियार री गोली लागण सु वही मौत दूसरो मोटियार बुरी तरह घायल प्रेम प्रसंग रो बताया जा रही है मामलो अबे जुमा खबरां विस्तार सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन साल भी जेनारे जवानारे सागे दिवाली रा त्योहार मनावेला इन बार पीएम उत्तराखंड रे हर्षिल बॉर्डर माथे जवाना सागे रहवेला इन दौरान पीएम रे सागे सेना प्रमुख बिपिन रावत और सेना रा दूजा मोटा अधिकारी भी मौजूद रहवेला बता देवा कि अठे पीएम सेना री तैयारियां और बॉर्डर माथे नवा होनवाला कामारो भी जायजो लेवेला पीएम जवाना सागे बातचीत करेला और दिवाली री बधाई भी देवाला थाने बता देवा कि हर्षिल बॉर्डर भारत चीन सीमा रे कने लगभग 45 किलोमीटर ही दूरी माथे आयोड़ो है इंडे कने गंगोत्री नेशनल पार्क भी बनियोड़ो है इन जगह रा नजारा भी चावा है और लाहौर स्पीति री तरिया ही बढ़िया है बॉर्डर माथे जावड़े अलावा पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर माए भी दर्शन करेला अठे प्रधानमंत्री केदारनाथ माए जाए ने चाल रिया जीर्णो द्वारे कार्यक्रम रो जायजो भी लेवेला चारों तरफ दीपोत्सव री धूम मचोड़ी है और इन मौका माथे पीसीसी रा मुखिया सचिन पायलट रे घरा भी दिवाली री लूठी चमक नजर आई थाने बता देवा कि पायलट री तरफ सु आ खास मौका माथे स्नेह मिलन समारोह आयोजन कियो गयो जिन दौरान मोटी संख्या माए कांग्रेस कार्यकर्ता और मोटा नेता मौजूद रहा इन मौके फर्स्ट इंडिया परिवार रा मुखिया चैनल हेड जगदीश चंद्र भी शिरकत कीनी और पायलट ने दिवाली री बधाई दीनी थाने बताया देवा कि इन कार्यक्रम में कई नेताओं और चावा लोग भी मौजूद रहा राजस्थान रा पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति रा जादूगर नाम सु जग चावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रा महासचिव अशोक गहलोत आज आप रे गृह जिला जोधपुर पहुंच गया गहलोत 3 दिन ताई आप रे गृह जिला जोधपुर में रहेला जठे लोगां सु मिलनी करेला अठे जोधपुर रे जिले री 10 सीटा री संभाग री 33 सीटा माते मंथन रे सागे फीडबैक भी लेवेला चुनाव ने देखता थका भाजपा री निजरा भी गहलोत रे इन दौरे माथे टिकी है गहलोत रा इन जोधपुर दौरा रा कई सियासी मतलब भी देखा जा रहा है अठे सु गहलोत कायलाना क्षेत्र में निजी होटल में पुग्या जठे दावेदारा री भारी भीड़ नजर आई संभाग री सगली सीटा रा दावेदार गहलोत सु मिलन सारू अठे पुग्या है आज जोधपुर शहर सूरसागर क्षेत्र रे दावेदारा सु गहलोत मिलाला चर्चा करेला फिर गहलोत आज फेरू दोहरायो के मैं थासू दूर नहीं राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 3 दिनों तक अपने गृह जिले जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सियासी रंग तो नापेंगे ही लेकिन साथ ही ये पहला त्योहार है जब उनके पिछले दिनों
भाई का निधन हो गया था तो लोग उनसे मिलने भी आएंगे, मगर टिकटॉक की जो सियासत है उस पर जोर रहेगा, क्योंकि जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों पर तो अशोक गहलोत को प्रत्याशी चयन करने ही है, लेकिन साथ ही 33 सीटों को लेकर फीडबैक भी लेना है। और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुप्तचर हैं वो भी काफी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि गहलोत लगातार 4 बार जीतते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब तक ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला जिससे वे जिताऊ साबित कर सके। और इसीलिए साथ साथ भाजपा इस कोशिश में भी है कि अगर कांग्रेस किस किस को टिकट देती है उसी के आधार पर जातिगत गणित दे करके भाजपा को भी टिकट तय करने हैं। अब देखना है कि 3 दिनों के बाद निचोड़ निकल करके क्या आता है। वैसे अशोक गहलोत जादूगर ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, कुछ से कुछ ऐसा जरूर निकालेंगे जिससे कि जो पुराने अशोक गहलोत के खुद के रिकॉर्ड है वो भी टूटते नजर आए। और अगर राजनीति अंदर ही अंदर टांग खींचने की होती है तो सियासत आते आते हाथ से जा भी सकती है। सहयोगी कृष्णा गौड़ के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट न्यूज जोधपुर। श्रीगंगानगर रे मोहर सिंह चौक माथे देर रात 2 गुटारे बीच फायरिंग वेगी, जिनमें 1 मोटियार री गोली लागण सू मौत वेगी, जठी दूजो मोटियार बुरी तरह घायल वेग्यो। घटना रे पाछे लोगा ने हमलावरा माथे भाटा फेंक्या, जिनसु वे गाड़ी छोड़ने फरार वेग्या, बठी जानकारी माथे पूग्या पुलिस ने गाड़ी री तलाशी लेने देसी कट्टा और एक गंडासी बरामद किना है। घटना रे पाछे तनाव रो माहौल देखता थका पुलिस जाब्तो तैनात कियो गयो है और मामलो प्रेम प्रसंग रो बतायो जा रियो है। ये जैसे बता रहे हैं कि भाई एक गाड़ी आई और आते ही यहाँ उन्होंने फायरिंग शुरू की और इस तरह से फिर इन्होंने अपने बचाव में पत्थर फेंके, वो गाड़ी छोड़कर भागे। जैसा ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के जो है पाँव में लगी है और सिर में लगी है, उसको हॉस्पिटलाइज किया है। और अब जो सुजानगढ़ रे गांधी चौक रे पाछे बनियोड़ी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम माए अचानक लाए लागी, अलाए अतरी भीषण ही के शोरूम पूरो सामान बलने खाक वे गयो। हालांकि सूचना मिले रे पाछे भी दमकली गाड़ियां मौके माते नी पुगी, जिनरे पाछे टैंकरा सू लाए बुझावन री कोशिश करी गई। इन दौरान कनेरी दुकाना ने भी खाली करवायो गयो। दर्शाओ तो एक जेड़ो है पर जगह अलग अलग है। आपने दिखावा अगली खबर है जो कि रूप 14 रोज को त्यौहार है, प्रदेश में मनाए गयो है, इनसे जुड़ी खबर है। आज इन्हें त्यौहार माथे जगह जगह लुगाया श्रृंगार करियो है और इनसे जुड़ी तस्वीर पुष्कर माए दर्शाओ तो एक जेड़ो है पर जगह अलग अलग है। एक खास दर्शाव है आज रहे त्यौहार रूप 14 से जुड़िया, जिन मौके माते घर्री लक्ष्मिया खुद ने सवारती नजर आ रही है। बठी बाजारों में आज भी खरीदारी सारू घड़ी भीड़ उमड़ रही है। थाने बताने चाहवा कि इन मौका माते देशभर में जमने उत्साह नजर आ रियो है और काले दिवाली रो त्यौहार भी घनी धूमधाम से मनाया जावेला। बठी सोमवार ने भी धनतेरस माते लोगों ने जमने खरीदारी कीनी है। बता देवा कि इन दौरान 2000 करोड़ रो कारोबार भी वियो है। लक्ष्मी जी री पूजा रे पहली आज आज रूप 14 रो त्यौहार मनीज रो है। धनतेरस माथे 2000 करोड़ री जिकी खरीदारी भी हुई है और रूप 14 रो जो त्यौहार है वो रूप सू जुड़ियोड़ो है, तो साज श्रृंगार और 16 श्रृंगार किया जा रहा है। इन त्यौहार रे माथे पूरे प्रदेश री जिकी गृह लक्ष्मिया है बे जाए ने ब्यूटी पार्लर माथे और जटे भी साज श्रृंगार री सामग्री मिल रही है बठे जा रहा है और आपने रूप ने निखार रहा है। राजधानी रे जयपुर सामोद इलाके में गर्म हवारो गुब्बारो इन दिना चर्चा रो विषय बनियोड़ो है। कई जगह पर गुब्बारे रो अचानक गिरण रो मामलो भी सामने आयो है। कई बार तो मोटो हादसो होतो टल गयो है। आज री बात करा तो स्काई वोल्टेज कंपनी रो एक गर्म हवारो गुब्बारो बेकाबू हो गयो, जिन में आधा दर्जन विदेशी सैलानी मौजूद हा, जिनने पाछे गुब्बारा ने हरमाड़ा रे कने चौप गावरी कॉलोनी माए हड़बड़ी माए उतारनो पड़ गयो। हालांकि सगला यात्रा ने सुरक्षित उतार लियो गयो, बटे गुब्बारा ने देखण खातर गांव वाला री मोटी भीड़ लागी, पण अतरी आबादी वाली जगह माथे गुब्बारा ने उतारनो भी किया तक सुरक्षित हो या सोचण वाली बात है।
रायपुर रे सालरी गांव में एक खेत माते सिंचाई करता बखत एक कृषक ने सांप डसली नो जिनरे पाछे कृषक ने तुरंत सीएससी अस्पताल पुगायो गयो जठे कृषक री मौत वेगी। रायपुरी घटना है सालरी गांव रे माए कृषक री मौत होगी जठे खेत माए सिंचाई करता थका सांप डसली नो वठे कृषक रे अस्पताल ले जाए पछे दम तोड़ दियो। चूरू रे रतनगढ़ माए पुलिस की मोटी कार्यवाही, पुलिस ने एक ट्रक सू घनी मात्रा माए डोडा पोस्ट पकड़िया है। बतायो जा रियो है कि प्याज और लहसुन सू भरियोड़ा ट्रक माए 6 बोरा माए डोडा पोस्ट बरामद कियो गयो है। जानकारी रे मुताबिक इन ट्रक ने सीआई रानीदान ने मालासर टोडे कने पकड़ियो है। बता देवा कि वो ट्रक मध्य प्रदेश सू पंजाब ले जायो जा रियो थो, बठी दो जना ने भी गिरफ्तार कर लियो गयो है और ट्रक ने भी सीज कर दियो गयो है। अबे बात करला भरतपुर री। भरतपुर जिले रे नगला नाथुरे जंगला माय रखी कड़बी माय अचानक लाय लागी। इन दौरान गांव वाला ने लाय माथे काबू पावणनी कोशिश करी, सागी दमकल ने भी जानकारी देनी, पर दमकल मौका माथे नी पूगी जिनसू 100 ट्रोली कड़बी बल ने राख वेगी। सूचना पाछे भी दमकल मौका माथे नहीं पहुंची थी, इन कारण 100 ट्रोली कड़बी बल ने राख वेगी। भरतपुर री आए खबर। अगली खबर है श्री गंगानगर सू। श्री गंगानगर माए सरकारी ओर सू मूंग खरीद माए दिक्कता आ रही है, अठे मूंग खरीदरी साइट कोनी चाली है और ई मित्रा माथे करसारी भारी भीड़ लाग मेली है। साइट ने चालबा सू करसा ने घनी देण वेरी है। हाल ताय नहीं कई करसा उपजरी सरकारी खरीद कोनी भी है। श्री गंगानगर के अंदर सरकारी मूंग की खरीद उनको लाग रही, किसान परेशान है। सरकार की तरफ कई दिनों मूंग की खरीद ऑनलाइन चालू है, कदी साइट डाउन हो जाए कदी की हो जाए, किसान परेशान है। लगातार ऊपर त्योहार है, किसाना घरे मूंग पड़ी है पर वे बिचौलिया ने बेचा है के करे समर्थन मूल्य पर देवे, किसान पैसों पैस में। आपने सागे कई किसान जुड़े हूँ, बात करा भी कितनी परेशानी होने ला रही है, कितनी घनी परेशानी हुए। अपने ऑनलाइन अपने की जावा कह दे ऑनलाइन साइड कौन खुली कने कह दे मारो वो कौन हो बीज वाले में सेंटर खोलियो को नहीं, एक पाई मूंगी खरीद को नहीं हुई, ऊपर हूँ तुम्हारे को टाइम आ गयो। सब किसान दुखी हो रहे ये मित्रांग चक्कर कटे पल्ले की पड़े को नहीं, जावे जदी कह दे भाई साइड खुली को नहीं, अब आ साइड के कद खुल सीर कद मूंगा की खरीद चालू हो सी। आपने सागे किसान और जुड़े रहा हूँ भी बात करा भी कितनी परेशानी होने ला रही है, घरे पीस है कोनी, कितो का नुकसान होने ला रहे है। बहुत ज्यादा नुकसान होने ला रही है, बिजाई में भी 4-5 हजार रुपया भी खर्चो आ गयो, मूंग बिया भी कम होने लग रहा है और ऊपर नया नया गवर्नमेंट रूल निकालने लग रही है, कदे पूरे खेत की गिरदावरी लियाओ कदे अलग अलग तरह का माना तंग करने लग रहा है। अच्छा अभी बाजार में बाजार में कोई मूंग कौन तुलन लग रहा किसान नुकसान है। किसानों कहना है ऑनलाइन जो सिस्टम चालू हो गया बी टाइम किसान बहुत ज्यादा परेशानी होने ला रही है, औने पौने दमा पर बाजार में बिचौलिया खरीदन तो जरूर ला रहे हैं पर किसान ने लगभग बहुत ज्यादा नुकसान हो ला रहे है। 2000 रुपया तक बिग गया को नुकसान हो ला रहे है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। किसानों की मांग है कि जल्दी जल्दी ऑनलाइन सिस्टम जो सरकार को है वो चालू कराया जावे। सुनील सियाग, बेस्ट इंडिया, श्री गंगानगर। अगले खबर री, दिवाली रे त्योहार री तैयारियां जोरा माथे चल रही है। बूंदी रा अनार जन जानीता है, अठारह अनार खास तरीका सु तैयार करिया जावे है। बूंदी माए बनवा वाला माटीरा अनार रियासत काल सु बनता आ रिया है, पण चाइनीज पटाखा रे चालता यो रियासत कालीन उद्योग बंद होबारी कगार माथे पुग गयो है। बूंदी रा अनार री या परंपरा जमील भाई और उनारा परिवार बचा राख मिलिया है। काई है आज ही कला रो हाल और काई है कलाकार री देण, जय जोलीना मा का संवाददाता भवानी सिंह हाड़ा।
दिवाली को त्योहार छे, दिवाली का त्योहार पर अगर आतिशबाजी न हो तो युवा ही दिवाली को मजो न ले पाव। अब बूंदी में यह एक अनोखी परंपरा जो जमील खान जी है वहाँ का परिवार में लंबा समय से चलती आ रही है। यहाँ जो ये गार्ड का जो आप हुक्का देख रहे हो यहाँ में बारूद भरियो जाओ छे। अरे बारूद के अंदर जो जब हुक्को चल छे तब कोई आवाज ना हो, केवल ये हुक्का रोशनी दे छे। अद्भुत कलाकारी सु ये जमील भाई जो छे यहाँ ने बनाओ छे। सैकड़ों कारीगर यहाँ पर काम भी कर रहा छे। वासु माँ जानेगा और की प्रकार वो यहाँ तैयार करे छे, की प्रकार ये जो गार का हुक्का छे वहाँ निर्माण करे छे और की प्रकार का वो हुक्का बनाओ छे। छोटा बड़ा अनार यहाँ बनाया जाओ छे, वो गार का अनार कहलाओ छे। गार का अनार की कई क्वालिटी रहे छे, कई यहाँ में खासियत छे। जमील भाई खुद माँ की लेरा जुड़ रहा है जो वहाँ से बात कर रहा। जमील भाई आपको कहीं खबर जो क्योंकि अच्छा अनार ये रोशनी दे छे। ये आज से कौन है, ये राजा महाराजा का जमाना से ही ये मिट्टी का अनार चले छे। कोई बोले छे ना और अनार ही बोले छे और अनार के बराबर ही छे। इससे बड़ो छे ज्वालामुखी, तो ये बिल्कुल लाओ असो निकले छे ज्वालामुखी चाल रही छे। और ये दूर दूर जाओ जे यहाँ से आपने बम्बई मिलवा ला जे जो वहाँ बम्बई पहुँचाओ जे, कोई जयपुर है जोधपुर है, तो ये आपने राजस्थान में के अलावा यूपी एमपी वगैरह सब में जाओ जे। तो ये जो अनार आप गार का बनाओ जो गार का अनार की असी कहीं कासी अच्छे के लोग दूर दूर से खचिया चले आओ जे। ये बूंदी अनार की वजह से जाने जाओ जे के बूंदी में बहुत बड़े अनार बिके जे, तो दूर दूर से मंगवाओ जो बड़ा बड़ा वीआईपी अंग्रेज वगैरह ये सभी। दीपावली को सीजन छे, दीपावली को त्यौहार छे, आतिशबाजी में अनार ने शामिल करे छे। इसके अलावा भी जो कहीं और भी कार्यक्रम हो किसा किसा कार्यक्रम में यहाँ ले जाओ लोग बाग। ये जो उत्सव कोई उत्सव है शादी ब्याह है या आड़ती उत्सव हमारे बूंदी को बूंदी में बूंदी उत्सव अलग है उसमें चला चाहिए। तो कि कितना प्रकार का अनार आप लोग यहाँ तैयार करो जो कि कौन कौन सा? तीन चार किस्म को अनार छे। एक तो घनगरज बोले छे, एक ने ज्वालामुखी बोले छे, एक छोटो अनार बोले छे। तो इस तरह का तीन तीन या चार तरह का ही तो तीन से चार प्रकार का ही अनार निर्माण करे छे। जो गार का हो छे, गार का अनार निर्माण में जो रोशनी रहे छे रात में वह रंग बिरंगी रोशनी भी अनारास के भीतर से निकले छे। माकी लेरा कुछ कारीगर भी छे वहां से मैं बात कर ला। भाई साहब आप ये बताओ यो जो अनार बना रहे छो कछु अनार छे की प्रकार तैयार कर रहे छो? ये ज्वालामुखी छे, इमें पहले बारूद भरो जाओगो, फिर इमें डार लगा सफेद कागज से की फिनिशिंग की जाओगी। अच्छा, तो की प्रकार यो रोशनी देगो, कतनो ऊंचो जाओगो? यो जाओगो 25-30 फीट की हाइट पर, बड़ा फुहारा ही तरह चले छे। अच्छा, तो कितना दिन सो आप ये अनार ने बनाओ और कितना का अनार रोजिना का बन जाओ? मैंने तो 3 साल हो या, 3 साल से कर रही हूँ जो काम। तो 3 साल से ये जो है बड़ा अनार बनावा को काम करे छे। आपने दिखावो चाहवा के ये जो अनार छे वहाँ से तैयार हो चर, यहाँ जो रंग बिरंगी यहाँ पर शाही कागज और गार और एक अंदर जो मेन छे वो बारूद छे, बारूद का रूप में ये अनार तैयार करो जाओ। यहाँ का जो कारीगर छे वहाँ से मैं बात कर ला, अब ये फाइनल स्टेज होगी बड़ा अनार की, तो यो अब की प्रकार इन्हें चलायो जाओ और की प्रकार यो आकर्षण को केंद्र रहे छे? इमें न्याय से छेद करनी पड़े छे, इमें छेद करके फिर माचिस से जुड़े जाओ छे। इकी पहले तो एक कलर में चालू कोई गोल्डन में, फिर उसके बाद में फिर बाद में गोल्डन हो जाएगा। पहले तो सिल्वर में चालू कोई जो गिनने निकलेगी इमें, फिर उसके बाद में गोल्डन हो जाओगे और 30-35 फीट हाइट पे जाओगे। तो एक अनार ने बनावा में कितना टाइम लग जाता होगा? ये 5-5 बार हाथ में हो जी। अच्छा, पहले एक ही गार को रेवो मिट्टी को, फिर इमें फिनिशिंग करनी पड़े कागज की, फिर उसके बाद में एक बारूद भरी जाओ जी, फिर उसके बाद में दूसरा बारूद भरी जाओ जी, फिर उसके बाद में एक ठुकाई हो जाए। मिलार जो बड़ो अनार आप देख रहे हो वाकई में अनार यो छो काफी वजनदार भी छे, लेकिन एक साथ ही साथ में इमें एक ही रंग की ज्वालामुखी न निकले, इमें रंग बिरंगी ज्वालामुखी निकले छे जो कि अपने आप में आकर्षण को केंद्र भी रहे छे। अब खबाली बात यह भी छे कि बूंदी को अनार पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश में फेमस है, जयपुर दिल्ली तय का लोग बाग इन्हें खरीदे छे। विदेशी पर्यटक भी जो बूंदी में उत्सव बूंदी उत्सव मनाए जाओ छे, इकी रोशनी इकी आतिशबाजी जो हो देखकर आकर्षित हो छे।
इसु बड़ी कई बात होगी कि जहाँ एक और बूंदी अपनी चित्रशैली से अपना आप ने मशहूर करे छे, वहीं यहाँ को अनार भी दिवाली का त्यौहार पर और उत्सव में यहाँ की जो अनार की रोशनी है वह दर्शक ने लुभा ले छे। वेस्ट इंडिया रे सारे बूंदी सु भवानी सिंह। तो बूंदी री जिकी लुप्त कला वेरी है उन्हें संभालन और सार री बहुत जरूरत है। अगली खबर रुक करा, जैसलमेर माए एसीबी एक मोटी कार्यवाही ने अंजाम दिनो है। एसीबी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैसलमेर अधीक्षक अभियंता शंकरलाल सुखाड़िया ने घूस लेवता गिरफ्तार किया है। एसीबी आरोपी रे घरा री तलाशी माए करीब 5,50,000 रुपया री नकदी भी जब्त करी है। आरोपी परिवादी भूम सिंह सु कृषि कनेक्शन जारी करवा सारू 15,000 रुपया री घूस मांगी ही। एसीबी रिया मोटी कार्यवाही है। जैसलमेर सु आ खबर है। 26/10/11 को भूम सिंह जो कि तेजमालता गांव के है, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी ऑफिस में मेरे समक्ष, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी जो शंकरलाल जी सुखाड़िया है वो डीपी कनेक्शन देने के लिए, पर कनेक्शन देने के लिए 10,000 के हिसाब से 50,000 रुपये मेरे से मांग रहे हैं। ये पांचों कनेक्शन इसकी भाई और माता जी वगैरह रिश्तेदारों के नाम पे, जिस पे बात की तो 10,000 रुपये उन्होंने पहले वेरिफिकेशन के समय लिए और 25,000 रुपये इन्होंने पहले ले और 25,000 काम के बाद लेना तय किया था। चार नामज कनेक्शन थे तो साहब ने मांग की थी 50,000 रुपये की डिमांड, कि वो 50,000 रुपये हमारे को ले जाओ तो आपका मेटेरियल और आपको कृषि कनेक्शन डीपी है वो ट्रांसफर दे देंगे। ये लोग 26 तारीख को मैं आया था, मतलब यहाँ पे और ऐसे भी ऑफिस में मजबूरी सी के कारण मेरे को कराना पड़ा। उनके बाद में बोला कि आपको ये अभी ये पैसे दे के जाओ 10,000, बाकी वाले बाद में लेके जाना, डीपी लेके जाना। तो आज मैंने मतलब 15,000 रुपये कुल, मतलब कुल टोटल 25,000 रुपये दिए। 25,000 मैंने बोला कल वो डीपी दोगे उस टाइम। और इन खबर सारू और जानकारी लेवन सारू सीधा चला माने संवाददाता नवीन शर्मा कने। नवीन, आप बताओ के भ्रष्टाचार मिटाउन की बात की जा रही है और कृषि कनेक्शन रे सारू भी रिश्वत देवनी पड़ रही है आम लोगों ने। जी बिल्कुल विक्रम, ये एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है और जो आरोपी है रिश्वत को उसके यहाँ पर तलाशी में 5.49 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। वह इस मामले में बड़ी जानकारी ये है कि जोधपुर स्थित आवास पर एसीबी टीम पहुंची है और जोधपुर एसीबी टीम उसके घर की तलाशी ले रही है और 3 कमरों की तलाशी पूरी हो चुकी है और एसीबी टीम जांच कर रही है। इसके अंदर बड़ा खुलासा होने की संभावना है और इसके अंदर एक जानकारी और दे दूं आपको कि विभाग के कई कर्मचारी। खबर राजस्थान री मायने आज इतो ही। छोटी दिवाली री आप सगला ने एक बार फिर घणे मन बधाई, इजाजत दे रहा हूँ, काले इन टाइम फिर हाजिर होसू खमा गणी।